तो अभी आने वाले टाइम में WWE के काफी सारे बड़े पेपर व्यूज आने बाकी है और मेरे हिसाब से रोमन रेंस वहां पर आप सभी को यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पे ही जाते हुए नजर आएंगे। और मान लो अगर सभी पेपर व्यूज के अंदर रोमन रेंस अपने यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कब तक रहने वाले हैं रोमन रेंस आप सभी के यूनिवर्सल चैंपियन। और भाई यही जो बात है रिसेंटली पॉल हेमन से पूछी जाती है और पॉल हेमन ने कुछ बड़े स्पॉयलर्स दे दिए रोमन रेंस के फ्यूचर को लेकर और उनके अकॉर्डिंग कब तक रहेंगे रोमन रेंस आप सभी के यूनिवर्सल चैंपियन। साथ ही में हम लोग विंस मैकमैन के बारे में करेंगे बात। वैसे काफी अजीबोगरीब चीजों को विंस मैकमैन हेट करते हैं और स्टेफनी मैकमैन ने रिवील कर दिया क्यों छींक से नफरत है काफी ज्यादा विंस मैकमैन को, यानी कि स्नीजिंग से। और साथ ही में हम लोग अलेक्सा ब्लिस के बारे में करेंगे बात क्योंकि उन्होंने भी इस बात को टीज कर दी है कि आने वाले टाइम में वो करने वाले हैं द क्वीन शार्लट फेयर के साथ एक बहुत ही तगड़ा फ्यूड। एंड जॉन सीना के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली जॉन सीना ने भी अपना रिएक्शन दिया है या फिर कह लो रिस्पॉन्स दिया है केरन क्रॉस के रिटायरमेंट मैच के चैलेंज को लेकर। तो भाई जॉन सीना ने किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, क्या जॉन सीना भी रेडी है केरन क्रॉस का फेस करने के लिए, इन बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आपको भरपूर मजा मिलेगा वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आपने गेमिंग चैनल पर जो न्यू वीडियो आई है वो अभी तक चेकआउट नहीं की है भाई जाकर जरूर चेकआउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम के अंदर मैच और वो भी भाई एक आयरन मैन मैच, बहुत ज्यादा कमाल और धांसू रहा। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपका वहां पर भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा मेरी सस्ती कॉमेंट्री के साथ। लेकिन शुरू करते वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि इस बार जुड़ी है स्टेफनी मैकमैन के बारे में। और रिसेंटली ट्रिपल एच की वाइफ या फिर विंस मैकमैन की डॉटर कह लो स्टेफनी मैकमैन ने ये बात रिवील कर दी कि क्यों उनके फादर यानी कि अपने चेयरमैन विंस मैकमैन को स्नीजिंग यानी कि छींक से बहुत ज्यादा नफरत है। और अगर कोई भी WWE का एम्प्लॉय या फिर जो सुपरस्टार है विंस मैकमैन के सामने स्नीज करता है तो भाई विंस मैकमैन उस पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। अगर वो छोटा मोटा एम्प्लॉय होता है तो कहीं अगर उनका मन किया वो उसे WWE कंपनी से भी निकाल देते हैं। तो स्टेफनी मैकमैन ने बताया जैसा आप जानते हो कि मेरे जो पापा हैं अभी फिलहाल वो काफी अजीबोगरीब चीजों से नफरत करते हैं और उनमें से एक चीज स्नीजिंग है। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक कारण है क्यों जो विंस मैकमैन है वो स्नीजिंग से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। स्टेफनी मैकमैन बताते हैं कि विंस मैकमैन उन चीजों से भी नफरत करते हैं जो कि बंदे के यानी कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहती है और स्नीजिंग उनमें से एक है। कभी भी अचानक से भाई छींक आ जाती है बंदे को और विंस मैकमैन सोचते हैं कि भाई ह्यूमन माइंड जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है और जो चीज ह्यूमन माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता उसे विंस मैकमैन नफरत करते हैं। और यही वो रीजन है क्यों वो स्नीजिंग से नफरत करते हैं क्योंकि भाई वो बंदे के कंट्रोल में नहीं रहती है। इसलिए भाई अगर कोई भी बंदा छींक देता है विंस मैकमैन के सामने तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई इस बंदे ने अपनी जो छींक है उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया। सुनने में काफी अजीबोगरीब टाइप चीज है मेरे हिसाब से। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि शायद COVID-19 चल रहा है तो इसलिए विंस मैकमैन चाहते हैं कि भाई उनके सामने कोई छींक वगैरह ना मारे। लेकिन भाई ये अभी की बात नहीं है, आज से काफी साल पहले से जो विंस मैकमैन है इन चीजों को हेट करते हुए आ रहे हैं। और इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जो विंस मैकमैन छींक से या फिर कह लो स्नीजिंग से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उसका जो रीजन स्टेफनी मैकमैन ने रिवील की है, अपना रिएक्शन एंड ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और इस बार ये फीमेल फीड कह लो या फिर कह लो एलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली एलेक्सा ब्लिस ने भी इस बात को टीज कर दी है कि इन फ्यूचर वो हमें वुमेंस डिवीजन के अंदर एंटर होते हुए नजर आएंगी और मे बी वो फ्यूड करने वाली अपना पहला द क्वीन शार्लट फेयर के साथ में। अगर मैं रिसेंट रॉ के एपिसोड की बात करूं तो वहां पर शार्लट फेयर आती हैं, वो माइक लेके उन सभी वुमेंस को टॉन्ट करती हैं और पूरे वुमेंस का जो डिवीजन है उसको एक वार्निंग देती हैं कि उनको रेसलमेनिया का पार्ट बनाया गया तो शार्लट फेयर उस चीज का पार्ट क्यों नहीं थी। तो इसी की जो वीडियो WWE में पोस्ट करती हुई नजर आती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख ही पा रहे होंगे। और भाई यहाँ पर इस पर काफी अच्छे व्यूज WWE को मिल गए इंस्टा के ऊपर, करीबन 1 मिलियन पर काफी जल्दी वीडियो जा सकती है। और भाई जिन लोगों ने रॉ का एपिसोड देखा होगा या फिर जो मेरी रॉ की रिव्यू वीडियो है वो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि शार्लट फेयर ने यहाँ पर टमीना, नाजैक्स, आस्का, रिया रिप्ले और भी बहुत सारे नामों के साथ एलेक्सा ब्लिस का नाम भी मेंशन किया था कि भाई एलेक्सा ब्लिस इस ईयर रेसलमेनिया का पार्ट थी लेकिन शार्लट फेयर वो पार्ट क्यों नहीं थी। स्क्रीनशॉट के अंदर भी आप लोग कैप्शन के अंदर देख ही पा रहे होंगे, जो सबटाइटल्स होते हैं वहां पर भी आपको एलेक्सा ब्लिस का नाम दिख रहा होगा। तो इसी चीज को लेकर जो एलेक्सा ब्लिस है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से हमें अपना रिस्पॉन्स या फिर कह लो रिप्लाई देती हुई नजर आती है और वो इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करती है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और एलेक्सा ब्लिस कहती है कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, लगता है ऐसा कि तुम्हारा खेलने वगैरह का थोड़ा बहुत मूड है। आप जानते हो फिलहाल जो एलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर है वहां पर वो बंदे से फाइट करना या फिर उसे फ्यूड करने का मतलब खेलना कहती है, यानी कि प्ले कहती है, प्ले पेन करके उनके जो ग्लव्स हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है। तो लगता है ऐसा कि अगर एलेक्सा ब्लिस आने वाले टाइम में फिंड या फिर कह लो ब्रेव आर्ट के साथ फ्यूड करती है तो
तो वो होगा, लेकिन उसके बाद लगता है ऐसा एलेक्सा ब्लिस जो है वो हमें वुमेंस डिवीजन की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। और भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है एलेक्सा ब्लिस की जो पहली टारगेट है वो शार्लोट फेयर रहेंगी। देखने में काफ़ी मजा आएगा और मेरे हिसाब से बड़ी अट्रैक्शन बन सकती है। शार्लोट फेयर को ऑलरेडी चाहे फैंस की तरफ से बू मिले या फिर चेयर मिले, उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है। एलेक्सा ब्लिस को काफ़ी लोग अभी फिलहाल पसंद कर रहे हैं और शायद अगर उन्हें शार्लोट फेयर के साथ एक फ्यूड में डाला जाएगा तो ये फ्यूड रॉ की रेटिंग्स गेन कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और सोशल मीडिया पर भी इसे काफ़ी अटेंशन मिलेगी। और क्या आप आने वाले टाइम में एलेक्सा ब्लिस को रॉ वुमेंस डिवीजन के अंदर देखना चाहोगे या फिर नहीं, और क्या आप देखना चाहते हो एलेक्सा ब्लिस आने वाले टाइम में करें शार्लोट फेयर के साथ फ्यूड? अपना ओपिनियन आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकेंड लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि इस बार सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली जॉन सीना ने भी अपना रिएक्शन कह लो या फिर रिस्पॉन्स कह लो दे दिया केरन क्रॉस के रिटायरमेंट मैच के ओपन चैलेंज को लेकर। अगर आप लोग चैनल पर एक एक्टिव व्यूअर हो तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जो केरन क्रॉस हैं उन्होंने ये बात कही थी कि वो जॉन सीना को रिटायरमेंट मैच में फेस करने के लिए एकदम रेडी हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल चीज़ रहने वाली है केरन क्रॉस के लिए। अब जैसी ये जो बात है फैलते काफ़ी सारे लोग कहते हैं शायद केरन क्रॉस ने जॉन सीना को एक बेटर अपोनेंट मिलना चाहिए, या फिर काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि केरन क्रॉस एक काफ़ी अच्छे अपोनेंट हैं। रिसेंटली जो बात है थोड़ी बहुत ट्रेंडिंग वाली चीज़ में आ जाती है, और रिसेंटली इसको लेकर जो जॉन सीना है वो भी अपना रिस्पॉन्स कह लो एक तरह का देते हुए नजर आते हैं कि भाई हाँ उन्हें भी बात पता लगी कि केरन क्रॉस ने उन्हें एक रिटायरमेंट मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और होता है कि जॉन सीना रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें केरन क्रॉस के टेक ओवर की जो फोटो है पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। और लगता है ऐसा है कि जॉन सीना हम सभी को ये बात बताना चाहते हैं कि हाँ भाई उन्होंने भी ये बात सुनी है कि केरन क्रॉस उन्हें चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जरूर से कोई भी अगर चैलेंज जाते हैं जॉन सीना को स्पेशली कोई भी रिटायरमेंट मैच के लिए तो जॉन सीना के जो फैंस हैं उनको इंस्टाग्राम पर एकदम तंग कर लेते हैं। और शायद जॉन सीना ये बताना चाहते हैं कि भाई हाँ उन्हें भी ये बात पता लगी और शायद वो भी रेडी हैं कि वो आने वाले टाइम में केरन क्रॉस का फेस करें। मेरे हिसाब से अगर केरन क्रॉस या फिर जॉन सीना का आने वाले टाइम में समर स्लैम में या फिर नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में मैच होता भी है तो बहुत मुश्किल है, या फिर कह लो बहुत कम चांस है कि वो आखिरी मैच होगा जॉन सीना का WWE के अंदर। बाकी मेरे हिसाब से मैच काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। और आपके हिसाब से क्या केरन क्रॉस और जॉन सीना का मैच होना चाहिए या फिर नहीं आने वाले टाइम में, जब जॉन सीना ने भी इस चीज़ का रिस्पॉन्स दे दिया कि वो भी रेडी है केरन क्रॉस के लिए? आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट इस बार हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। और रोमन रेंस कब तक रहने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन? आई थिंक ये जो सवाल है बहुत सारे फैंस के मन में होगा, बहुत सारे मुझे भी कॉमेंट्स आते हैं कि भाई क्या जो रोमन रेंस है वो इस ईयर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को पूरा अपने पास रख पाएंगे या फिर नहीं, क्या नेक्स्ट ईयर भी रोमन के पास टाइटल रहेगी, क्या अगले साल रेसलमेनिया में भी रोमन रेंस एज यूनिवर्सल चैंपियन जाएंगे? तो वह इसी चीज़ को लेकर जो रिसेंटली पॉल है मैंने वो हमें अपने कुछ आंसर देते हुए नजर आते हैं टॉकिंग स्मैक के एपिसोड के ऊपर, जब उनसे पूछा जाता है कि रोमन रेंस के पास ये जो यूनिवर्सल टाइटल है वो कब तक रहने वाली है। पॉल एमन कहते हैं कि मैं और जो रोमन रेंस है वो दोनों मिलके वो सभी चीज़ें करने वाले हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं ताकि हम लोग सीजन वन को टॉप पर एकदम खत्म कर पाएं। सीजन वन को टॉप करने का मतलब ये है कि रोमन रेंस जो 6 महीने की रेसलर्स की रैंकिंग आती है सामने उसमें एकदम टॉप पर दिखाई देने चाहिए, क्योंकि रोमन ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और रेसलमेनिया के अंदर एक डोमिनेट वे में रोमन रेंस ने अपने टाइटल को रिटेन भी किया है। फिर वो कहते हैं जो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया होने वाला है वो एक ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन होगा WWE की हिस्ट्री के अंदर। अभी फिलहाल उसको होने में 50 से 60 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन पॉल हेमन कहते हैं वहां पर आप सभी को एक सिंगल मोस्ट डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स एंटरटेनर जो कि आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, द रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड अनकन्वर्टेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड देन नाउ एंड फॉर एवर इंक्लूडिंग नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया रोमन रेंस, वहां पर भी आप सभी को चैंपियन के तौर पर जाता हुआ नजर आएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है बल्कि ये गारंटीड चीज है जो कि ट्राइबल चीफ आप सभी को स्पॉइलर बता रहा है। अब पॉल हेमन के यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि 50 से 60 हफ्ते भी फिलहाल अगले ईयर रेसल महीने के लिए बाकी हैं जो कि बॉक्स ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगा। उसका रीज़न ये क्योंकि रोमन रेंस जो कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की पूरी हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट सुपरस्टार हैं, वो नेक्स्ट ईयर भी WWE के अंदर यूनिवर्सल हैवी वेट चैंपियन रहेंगे। और जो रोमन है सिर्फ रेसल महीने 38 के अंदर ही चैंपियन नहीं रहेंगे बल्कि वो चैंपियन रहने वाले हैं देन नाउ एंड फॉर एवर। और पॉल हेमन की वही ऑफिशियल ट्रेडमार्क वाली लाइन कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है बल्कि ये ट्राइबल चीफ के गारंटीड स्पॉयलर्स हैं। अब लगता है ऐसा कि पॉल हेमन का कहने का मतलब ये है कि इस ईयर पूरा और नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में भी और मे बी नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के बाद भी जो रोमन रेंस है वो आप सभी के स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन
हैपन रहेंगे। सुनने में काफी क्रेजी लग रहा है कि रोमन रेंज इतने लंबे टाइम तक यूनिवर्सल टाइटल को होल्ड करेंगे, लेकिन उम्मीद यही करूंगा कि WWE अगर उनको इतनी लंबी टाइटल रेंज दे रही है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से रेसल मीना में सबसे बड़ा खतरा था रोमन को, वहां पर उन्होंने टाइटल रिटेन कर ली है। बैकलैश में मुझे चांस नहीं लगता, चाहे सिजारो फेस करे या फिर ट्रिपल थ्रेड मैच हो, वहां पर रोमन की ही जीत होगी। मनी इन द बैंक में भी चांस लगता नहीं है, अगर समर स्लैम में उन्हें कोई तगड़ा अपोनेंट मिलता है तो कहीं चांस मिलते कि वो अपने टाइटल हारते हुए नजर आए, या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल या फिर रेसल मीना के अंदर हो सकता है रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर चले जाए। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि आपके हिसाब से रोमन रेंज नेक्स्ट ईयर रेसल मीना तक यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे, जैसा कि पॉल लेमन ने हमें स्पॉइलर ऑलरेडी दे दिए। अपना रिएक्शन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो है बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।